हाय फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल ओडिशा जॉब अलर्ट। तेरे आज जो वैकेंसी रही देख ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन बा ओपीएससी तरफ रही को पोस्ट पर रही ना आम ओपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर पर रही तेणु फास्ट देखीदियो जे केबेठू स्टार्ट हो ना आमर 12-3-2024 स्टार्ट हे आ लास्ट डेट हूँ 16-4-2024 अर्थात 16 एप्रिल 2024 तुम लास्ट डेट ता पूर्व तुम्हें एप्लाय करथिया दरकार है। वैकेंसी पोजीशन देखीदे एंथ्रोपोलॉजी अच्छे आम टोटाल केतोटी पोस्ट 18 पोस्ट। ठीक अच्छे केमिस्ट्री अच्छे आमर 12 पोस्ट से भाई कॉमर्स 20 कंप्यूटर साइंस 28 इकोनॉमिक्स 20 एजुकेशन 45 इंग्लिश 35 है जियोग्राफी 17 जियोलॉजी 10 अच्छी हिंदी 15 हिस्ट्री 25 है होम साइंस रे भी सही 25 सीट अच्छी। तेरे जो मैंने लॉजिक और फिलोसफी कौच कर कौन अच्छी ना 10टा सीट अच्छी है। ओडिया भी अच्छी आमर कतरा ना 16टा फिजिक्स 12टा आमर पॉलिटिकल साइंस 35टा पोस्ट अच्छी साइकोलॉजी 15 सांताली 2टी आउ सोशियोलॉजी आमर 25टी। ठीक अच्छे मोड उपर तुम केतोटी पोस्ट अच्छी ना आमर 385टी पोस्ट अच्छी बुझिपार। तेरे इंपोर्टाट पॉइंट गुड़िक आम देखीदा कौन रही देख एज के ना आम एज देती मैक्सिमम 45 होता दरकार अर्थात 45 वर्ष रु अधिक हो न तुम आउ 21 वर्ष रु कम हो जो मैंने 17-4-1979 पूर्व जन्म ग्रहण कर कौन हम ना से एलिजिबल नुहे एप्लाय करने 16-4-2003 पर भी जो मैंने आमर जन्म होती से भी तुम्हें एप्लाय कर ना। ठीक है तेरे देख आउ कौन रही ना एज रिलैक्सेसन रही जमीक एससी एसटी एससीबीसी मान रहा कथा 10 वर्ष है 10 वर्ष एज रिलैक्सेसन रही। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानच तुम कौन ना मास्टर डिग्री करथिया दरकार एटलिस्ट 55% मार्क थी दरकार तुम है जोटा कि पोस्ट ग्रेजुएशन करथिया दरकार तुम्हें। तेणु जो मैंने एससी एसटी बा एससीबीसी से रखि दरकार ना मिनिमम 50% जोटा आमर नॉर्मल यूआर कैटेगरी 55% मार्क निहाती रखि दरकार तो एम रिजर्वेशन कैटेगरी कैसे ना 50% मार्क होता दरकार। तेरे सब इंपोर्टेंट पॉइंट देख जे जो माने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बा नेट क्वालिफाई करना से पकई पार ना नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट किंबा तुम्हें पीएचडी करथिया दरकार एई दुईटा भितर तुम जोटा हेले गोटे करथिबो तुम्हें एलिजिबल एप्लाई करिया पाई बुझिपारलो। तेबे आउ कौन रही पॉइंट देख ना जे किभली भाव में तुम सिलेक्शन हम है कि भाव में तुम सिलेक्शन हम आम से पॉइंट देखीदा जे सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही देख प्रथम तो शॉर्टलिस्टेड हम केमती तुम्हें ना ऑन द बेसिस ऑफ कैरियर मार्किंग है कैरियर मार्किंग अनुसार तुम शॉर्टलिस्टेड हम जो मैंने ग्रेजुएशन 80% रु अधिक रखीच से 21 मार्क मिल 60-80% भितर रखते 19 मार्क मिल 55% रु 60% भितर रखिले 16 मार्क मिल आउ 45% रु 55% भितर रखिले तुम केते ना 10 मार्क मिल। पोस्ट ग्रेजुएशन से भाई जो मैंने 80% रु एबव रखिच 25 मार्क पाइबो 60-80 भितर रखिले 23 मार्क पाइबो है 55% रखिले कौन हम ना आमर 55-60 रखिले तुम कौन 20 मार्क पाइबो है कि जो मैंने 50% रिजर्वेशन 50% अच्छी तुम से 50% रु 60% रखिले भी सही 20 मार्क पाइबो है। तेरे जो मैंने एमफिल करछ एमफिल जो मैंने 60% रु अधिक रखिच से 7 मार्क मिल 55% रु 60% रखी मिल 5 मार्क पीएचडी करते मिल 25 मार्क नेट बा जेआरएफ थे मिल नेट हुई जेआरएफ है जदि नेट सहित जेआरएफ थी तुम 10 मार्क पाइब आ खाली नेट थे 8 मार्क पाइब है आउ सेट एका थे तुम के पाइब ना आमर 5 मार्क। तेरे जो मान कि रिसर्च रही रिसर्च बाबद को तुमको मैक्सिमम मार्क 6 रखा जाइए टीचिंग एक्सपीरियंस थे बाबद को भी तुम 10 मार्क रखाई आदि कौन तुम नेशनल लेवल बा इंटरनेशनल लेवल बा स्टेट लेवल किसी अवार्ड पाइच ताल तुमको 3 मार्क आउ 2 मार्क लेखा मिल। तेरे ये था कि इनफॉरमेशन आशा करुच्ची निश्चित भाव में इनफॉरमेशन टी तुमको हेल्प कर जो मैंने भी एलिजिबल अच्छ निश्चित भाव में एप्लाय करदे लास्ट डेट पूर्वर आशा कै कि समस्त एलिजिबिलिटी अनुसार तुम मैंने निज निजर टैलेंट अनुसार तुम मैंने सिलेक्ट हुआ। ठीक अच्छे जो मैंने भी सिलेक्ट हो से इंटरव्यू रे निश्चित भाव में भल करने ट्राए कर। तेरे आजिका रोचे पुणी देखा किसी नुआ इनफॉरमेशन सहित जय जगन्नाथ।